आप भी सबकी तरह अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम अक्सर लोगों को जज करते हैं उनकी पर्सनालिटी के बेसिस पर, बट हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि पर्सनालिटी सिर्फ लुक्स पर डिपेंड नहीं करती। देर आर मैनी थिंग्स जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट है, जैसे आप दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, या आपका अपनी लाइफ के टूवर्ड्स कैसा एटीट्यूड है। बट विदाउट एनी डाउट मैं कहूँगी कि अपीरियंस और बाहरी दिखावा भी थोड़ा सा मैटर करता है किसी भी इंसान की पर्सनालिटी के लिए, बट नॉट ओवरऑल। तो आज इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप सीखने की इच्छा रखते हैं तो। टिप नंबर 1, रेडी टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आप हमेशा अपने आप से क्वेश्चन करो कि आप अपनी लाइफ के किस स्टेज पर हो, और अगर आपको फील होता है कि आप अपने आप को, अपनी लाइफ को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे जैसे आप चाहते हैं, तो एनालाइज करो कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, या आपको अपनी लाइफ के किस एरिया में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, सिर्फ उस अकॉर्डिंग जिस अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को एक्चुअली में बनाना चाहते हो। जो कंफर्ट जोन आपने अपने आसपास बना लिया है, ट्राई टू ब्रेक दैट और ट्राई करो कुछ नया एक्सप्लोर करने का। मीट विद न्यू पीपल, टेक सम रिस्क जिन्हें आप करने से डरते हो, क्योंकि ओनली देन आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे और कुछ नया सीख पाओगे। नंबर 2, एक्सेप्ट मिस्टेक्स। गलतियाँ तो हम सब करते हैं, क्योंकि हम इंसान ही तो हैं। Nobody is perfect, चाहे वो आप हो या मैं, और इस फैक्ट को जानना भी उतना ही ज़रूरी है। अपने मिस्टेक्स को अपना कर लाइफ में आगे बढ़ना इज अ साइन ऑफ पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट, क्योंकि अगर आप परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश में लगे रहेंगे तो ये सिर्फ आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा, दिस विल इम्पैक्ट ऑन अदर्स एज वेल। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लुक्स के अलावा भी कितनी चीज़ें हमारे लिए सच में ज़रूरी है पर्सनैलिटी इम्प्रूव करने के लिए। टिप नंबर 3, एक्सपैंड योर होराइजन। अगर आप चाहते हैं दूसरे आप में इंटरेस्ट लें, तो इसके लिए आपको चीज़ों को लेकर अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। जितना हो सके उतनी नॉलेज एक्वायर करो, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर, और ये आपको कॉन्फिडेंट भी फील करवाती है। ट्राई टू रीड समथिंग। ज़रूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ो, बट जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है उनको पढ़ना शुरू करो। एट लास्ट, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पर डाउट तो कभी मत रखो, अपने आप पर भरोसा रखो कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो अगर आप उसके लिए ट्राई कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो।